अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पैंट ट्राउज़र की कटिंग जो है वो सिंपल और आसान सी तरीके से जो है वो करना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 2.5 मीटर जो है वो कपड़ा लिया है और इसको इस तरह 4 पीसेस में जो है वो मैंने फोल्ड कर लिया है। ये लॉन फैब्रिक है। लॉन फैब्रिक को जो है स्टिच करने से पहले, कटिंग करने से पहले ज़रूरी है कि इसको श्लिंग कर लिया जाए। और श्लिंग का मेथड ये है कि आपने पानी में जो है वो इसको 15 मिनट के लिए डिप कर देना है और डिप करने के बाद 15 मिनट बाद इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसको आयरन कर लेना है ताकि कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो ये मैंने ट्राउज़र की लंबाई जो है 36 सेंटीमीटर ली है और पंचा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ट्राउज़र पे मैंने ये 12 सेंटीमीटर जो है 12 सेंटीमीटर पे इसकी लंबाई का निशान लगाया है। आसन की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और आसन की चौड़ाई जो है वो भी 12 सेंटीमीटर ली है मैंने और ऊपर से कमर जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो मैंने कमर लिया। अब जो मैंने निशान लगाए थे उस पर मैंने बिल्कुल एक बॉक्स की सूरत में इसको बना लिया। अब जो ये बॉक्स बनाया है उस पर मैंने उसकी गुलाई में कटिंग करनी है। तो इसे इसकी गुलाई में निशान लगा लूँगी। अब जो कमर वाली साइड है उस पर, जो फ्रंट साइड है उस पर मैंने 1.5 इंची जो है उसको ऐसे तिरछा निशान लगाया है। अब जो फ्रंट के 2 पार्ट हैं उनको मैं इन्हीं निशानात पे कटिंग कर लूँगी। आपने ये याद रखना है पैंट ट्राउज़र में जो फ्रंट 2 पार्ट होते हैं उनकी कटिंग अलग होती है और बैक पार्ट जो 2 होते हैं उनकी कटिंग अलग होती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, सेम जैसे मैं बना रही हूँ आप इसी तरह इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ट्राउज़र बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी शेप में बनेगा। तो ये फ्रंट पार्ट जो हैं उनकी कटिंग मैंने 2 पीसेस जो हैं उनकी कटिंग कर ली है। ये देखिए 2 पार्ट जो हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। अब जो बैक पार्ट है उसकी कमर की जो साइड है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे बैक पार्ट की। फ्रंट की हमने 1.5 इंचेस जो है वो तिरछा काटा है उसको। अब 1.5 इंचेस पे जो हमने कटिंग किया हुआ है उसके साथ साथ ही इसको निशान लगा लेंगे 1.5 इंचेस के। 1.5 इंचेस छोड़ के बैक पार्ट जो है वो बढ़ा के थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। और जो 1.5 इंचेस छोड़ के फ्रंट पार्ट से हमने बैक पार्ट पे निशान लगाया उन्हीं निशानात पर हम इनको कटिंग कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी कटिंग अच्छी सी हुई हो तो स्टिचिंग भी प्यारी ही होती है। और नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। जी तो ये ट्राउज़र की कटिंग जो है वो हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग जो है वो बताती हूँ। सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है उसकी आसन की सिलाई जो है
दो पीसेस पकड़ के आपने आसन की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो अब मैं इसकी आसन की सिलाई लगा लेती हूँ। अगर आपके पास सिंपल मशीन है मेरी तरह तो आप थोड़ा सा बखिए को पीछे से खींच के रखें हल्का सा, ताकि सिलाई जो है उसमें नीटनेस आए। अब इसका बैक पार्ट जो है उसको भी मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो है वो मैंने उनको सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इनको खोल के रखूँगी। फ्रंट पार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा और बैक पार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए अब साइडों की सिलाई जो है वो मैं मैच करके बिल्कुल एक जितना कपड़ा रख के साइडों की सिलाइयाँ जो हैं वो लगा लूँगी। दोनों साइडों पे साइडों की सिलाइयाँ जो है वो मैं लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दूसरी साइड पे भी सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। अब जिनको सिलाई के साथ इलास्टिक अटैच करना नहीं आता उसका बहुत ही आसान तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सिंपल जैसे हम लोग नेफा फोल्ड करते हैं आपने सेम इसी तरह नेफा फोल्ड कर लेना है। और नेफा फोल्ड करते वक्त आपने थोड़ा सा जो है इसका हिस्सा छोड़ देना है खाली। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका इसका बताऊंगी इलास्टिक अटैच करने का। अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है 25 सेंटीमीटर। तो आप अपनी कमर के हिसाब से जो है वो इलास्टिक लगा सकते हैं। अब ये खाली मैंने नलकी ली है, जो गत्ते वाली नलकी है वो ली है मैंने। आप कोई और चीज़ भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की चौड़ाई में। और ये जो हमने रास्ता रखा है इससे हम इस इलास्टिक को जो है वो गुजार लेंगे। इलास्टिक के एंड का आपने ध्यान रखना है। तो जी इलास्टिक मैंने डाल लिया है। अब हमने इसकी इलास्टिक को सीधा बिल्कुल स्ट्रेट रख के यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के टांके जो है वो पक्के होने चाहिए। आपने सिर्फ एक सिलाई नहीं डबल ट्रिपल सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो हिस्सा हमने इसका खुला छोड़ा था उसको भी सिलाई लगा लेंगे। अब आपने इसको खींच के इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो मैच कर लेनी है। मीन्स के साइड की सिलाइयाँ जो हैं वो एक जैसी हों
और मिड वाली सिलाइयाँ जो हैं वो एक साइड एक जैसी हों और इलास्टिक को खींच के इस तरह रख के मिड में एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह आपने कपड़े को खींचते जाना है लास्टिक इसमें और सिलाई लगाते जाना है। तो लास्टिक जो है वो हमने अटैच कर लिया है। अब पंचों की बारी है। बहुत सिंपल और बिल्कुल इजी सा जो है वो मैं आपके साथ ये ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ पंचों के डिज़ाइन जो हैं वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। दूसरा पंचा भी जो है उसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसकी आसन की सिलाई जो है वो लगा लूँगी। आसन की सिलाई जो है वो डबल लगाया करें क्योंकि ये तिरछी कटिंग होती है इसकी सिलाई जो है वो टूट जाती है और डबल सिलाई जो है वो जल्दी टूटती नहीं। और एक पंचे से लेके आसन तक ला के फिर दूसरा पंचा जो है उसको स्टिच किया करें। इससे जो है तिरछी कटिंग होती है तो कोई भी कपड़ा भरता नहीं या छोटा नहीं होता। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं ये आपको कोई भी नहीं बताता। तो ट्राउज़र जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।